बस बस मेरे बच्चे, मैंने साफ कर दिया है, बैंडेज लगा रहा हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा, ये लो पेन के लगाओ, चलो शाबाश। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है मुझे टैबलेट्स नहीं पसंद। वैसे तो कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बच्ची ना कहें, क्यों बच्चों की तरह शोर मचाया हुआ? हाँ तो दर्द सिर्फ बच्चों को होता है, बड़ों को नहीं हो सकता। देखे ना मेरे भाई कितना गहरा जख्म है, देखे मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा। मेरे बच्चे छोटा सा जख्म है, तुमने तो फोन पे मुझे डरा दिया था। और तुम्हें किसने कहा था सब्जी खुद से काटो? ज़रीना ये काम करती है, वही कर देती। हाँ तो मैंने सोचा आप कब तक ज़रीना के हाथ का खाना खाते रहेंगे, मुझे भी ये काम आने चाहिए ना, है ना। और फिर ज़रीना कितनी गंदी रहती है, पता नहीं वो अपने हाथ धोती भी होगी कि नहीं। शिफा ज्यादा बातें मत करो, चलो शाबाश। नहीं उमर भाई। शिफा मैं कह रहा हूँ शाबाश। कहती है मुझे बच्ची ना कहें, ठीक हो? नहीं उमर भाई दर्द हो रहा है। चलो आराम करो, आराम करो, रेस्ट करो। उमर को लगता है कि मैं उसकी बहन से जेलस होंगी। उससे क्या पता, जब वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो उससे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। हेलो उमर, शिफा कैसी है? ना पूछो, चोट लगा के बैठ गई, सब्जी काटते अपना हाथ काट लिया। वो फोन पर इतना रो रही थी कि मैं आई एम सॉरी तुम्हें उस पर कुछ बता ही नहीं सका। ओह गॉड, अब कैसी है वो? हाँ ठीक है, जख्म इतना गहरा नहीं था। अच्छा तुम अपने तायबा के बारे में बता रही थी, वो बात बीच में ही रह गई। हाँ मैं तो बस ये कह रही थी कि अब्बा बहुत ज्यादा जिद्दी है, कभी कभार तो ऐसी चीजों पर जिद लगा लेते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कि मैं मामा को क्या कहूँ, तुम पापा से कब मिलने आ रहे हो? कहती हो तो अभी आ जाता। नहीं अभी नहीं, कल, कल वीकेंड है, तुम डिनर हमारे साथ कर लो, इसलिए कि मामा को भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तैयारियाँ करने का। तैयारियाँ? ऐसी भी क्या खास तैयारियाँ? भाई होने वाला दामाद पहली मर्तबा घर आ रहा है, तैयारियाँ तो होगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन प्लीज डिनर नहीं लंच रख लो, शिफा को रात को अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ तो कोई मसला नहीं है, लंच कर लेना, मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस कर दूंगी, ठीक है? चलो ओके, बाद में बात होती है, बाय। जी अंकल, पेरेंट्स की डेथ के बाद बचपन से लेके अब तक जो कुछ भी किया खुद किया है। माशाल्लाह अच्छी बात है। चले बातें तो होती रहेंगी, मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए, क्यों मेयर बेटा? जी श्योर आंटी, जैसे आप मुनासिब समझे। समाहिर बेटा जाओ रशीदा से कहो खाना लगाए। जी मामा। वैसे उमर भाई आप तो इतना कम बोलते हैं, हमारी आप ही तो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। तो अच्छी बात है ना, इस तरह दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। रिमला बेटा जाओ किचन में जाके हेल्प करो समाहिर की। बेटा बुरा मत मनाना इसकी बातों का, कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे नहीं आंटी, ये तो मुझे बिल्कुल अपनी बहन शिफा जैसी लगी है। अब बस भी करें आप ही, जब से आप अंदर बैठी थी और अब उनको यहाँ से झांक के देख रही। चुप कर, सुनने तो क्या कह रहे। चुप कर, किसी की बातें सुनना बुरी बात होती है, टेंशन क्यों ले रही है? उमर भाई ने बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाया बाबा पर। वाकई? और नहीं तो क्या, देखा नहीं बाबा कितने इम्प्रेस नजर आ रहे। वैसे हमारे उमर भाई में कोई बात तो है कि लोग उनसे मुतासर हुए बिना रह नहीं सकते। एक बात तो बताए, इनका कोई छोटा भाई है क्या? नहीं, ये वन एंड ओनली पीस है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए बनाया। चलो देखो समाहिर, बात यह है कि मुझे और तुम्हारे पापा को उमर बहुत पसंद आया है, सुलझा हुआ तमीज़दार लड़का है। तुम्हारे पापा बहुत मुतमईन हैं, लेकिन लेकिन क्या? भाई साहब से बात वो फिर भी नहीं करेंगे, कहते हैं कि अगर उन्होंने राय मांगी तो मैं दे दूंगा, खुद से बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर पापा बात नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद कर लूंगी। क्यों मुश्किलें खड़ी कर रही हो अपने लिए बेटा, भोले से भी ये गलती मत करना। मेरा ख्याल है कि सलीमा अब्बा को खुद बात करनी चाहिए भाई साहब से, यही मुनासिब रहेगा। अब्बा जैसे उनकी बहुत सुन्नत है। पापा मेरे बिहाफ पे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ?
ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तो फिर कैसी बातें करूं मामा? तुम जानती तो हो बेटा, ताया तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस जरा उल्टे मिजाज के इंसान हैं। मैं पहले चाह रही थी कि तुम्हारे पापा भाई साहब से खुद बात करें, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मैं तारिक को इस मामले से दूर रखूं तो बेहतर है। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा भाई साहब का कितना एहतराम करते हैं। अगर भाई साहब ने गैर खानदान होने का इशू खड़ा कर दिया तो वो खुद ही कायल होकर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है मैं सलीमा आपस से खुद ही बात करती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। क्या बात है, इस तरह क्यों खड़ी हो? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। कहो क्या बात है? वो समाहिर की शादी के बारे में बात करना थी। समाहिर की शादी के बारे में क्या बात है? बेटों की तो खैर होती है ना, जब तक वो अपने पांव पर ना खड़े हो जाएं, कमाने ना लगे, उनकी शादी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अगर बेटियों के लिए तो जल्दी करनी होती है ना। समाहिर हमारी जिम्मेदारी है, उसकी शादी के बारे में भी तो हमें ही सोचना है ना। वाकई लड़कियों के बारे में जल्दी सोचना पड़ता है, लेकिन रजी जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, समाहिर के बारे में फिक्रमंद होने का कोई फायदा नहीं और नहीं परेशान होने की जरूरत है। जैसे ही रजी किसी काबिल हो जाएगा कर देंगे दोनों की शादी। समाहिर और रजी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये फैसला मैं उन दोनों के बचपन में कर चुका हूँ। समाहिर हमारे घर की बच्ची है, वो कहीं और जाए मुझे ये कबूल नहीं है। उसकी शादी होगी तो रजी सही होगी। क्या हुआ, तुम परेशान हो गई? नहीं परेशान तो नहीं हूं। वो दरअसल आपने मुझसे पहले जिक्र नहीं किया था ना, इसलिए हैरान हो गई थी। अच्छा मैं समझा शादी से रिश्ते का सुनकर परेशान हो गई। क्या मेरा फैसला पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने फैसला किया है तो दुरुस्त ही किया होगा। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अच्छा होता कि अगर आप बच्चों से भी पूछ लेते। क्या पूछूं बच्चों से, क्या पूछूं? देखिए जी, ये हमारा और आपका दौर नहीं है। जब माँ बाप फैसला करके बच्चों को बता देते थे और बच्चे उनका फैसला सुनकर सर झुका लेते थे, अब ये नया दौर है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की मदाखलत भी पसंद नहीं करते शादी ब्याह के मामले में, बल्कि शादी ब्याह को अपना जाती मामला समझते हैं। सलीमा बेगम, एक बात आप भी अच्छी तरह समझ लें और अपनी औलाद को भी समझा दें कि ये अपनी जिंदगी से अपनी मर्जी का लफ्ज निकाल ही दें। जब तक मैं जिंदा हूं इनकी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगा। हाँ अगर मर जाऊं तो इन्हें अख्तियार है जो जी चाहे करते फिरे। क्या मैं और समय अब्बा जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? यहाँ परेशानी से हमारी जान निकली जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। अम्मा हंसू नहीं तो और क्या करूँ। माशाल्लाह बहुत अरसे बाद है सही, लेकिन हमारे अब्बा ने एक बार फिर ऐसी बात तो की जिसने हम सबको इज्तिमाई तौर पे परेशान कर दिया। भाई मानना पड़ेगा हमारे अब्बा हैं बहुत टैलेंटेड। वैसे अम्मा मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस बात को सुनकर हमारे भाई साहब का मुंह खुला का खुला रह गया, उस बात को सुनकर समाहिर का क्या रिएक्शन होगा? इसी परेशानी से तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई कल। समाहिर तो कयामत ढा देगी। बिल्कुल सही करेगी वो, और उसको ऐसा करना भी चाहिए। बचपन से लेके आज तक अब्बा जी ने हमें यही समझाया है कि समाहिर हमारी बहन है,
अब अचानक वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी समाहर से हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, होगा वो ही जो अब्बा चाहते हैं। अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी समाहर से होगी तो होगी, हमारे खानदान की तारीख गवाह है। तुम अपनी नाक रगड़ लो, छत से ऊंचे लटक जाओ, होगा वही जो लोधी साहब कहते हैं। भाई वाह 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 वाह। अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकते ना तो खामोश रहो थोड़ी देर। क्या गलत कहा है तकीना? अब आप इसी बात को ले लीजिए, अब्बा हमेशा से चाहते थे कि मैं बैंकिंग की तरफ आऊं, मुझे जाना पड़ा। हालांकि मेरा इंटरेस्ट किस में था? फाइन आर्ट्स में। इसके साथ भी एग्जैक्टली यही किया, जबरदस्ती कैडेट कॉलेज भेज दिया। तो कर ली ना इसने अपनी मर्जी, छोड़ा है कैडेट कॉलेज। क्या फायदा ऐसी मर्जी करने का? अब्बा जी की नाराजगी की तलवार लटक रही है ना इसके गर्दन पर। या तो फिर ये होता कि कैडेट कॉलेज छोड़कर एक्टिंग की तरफ चला जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्या क्या मुहावरा कहती हैं आप? खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बनाने पर। शाबाश शाबाश। यार तुम अपने ग्लास बाद में तोड़ लेना प्लीज, फिलहाल मुझे ये सोचने दो कि अब्बा जी का पहाड़ जो मेरे सर पर टूटा है, मैं क्या करूं। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन मैं समाज से शादी नहीं करूंगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं सबिया खाला की बेटी सबीन को पसंद करता हूँ। तुम सबीन को पसंद करते हो, समायर उमेर को पसंद करती है, और हमारे अब्बास सिर्फ खुद को पसंद करते हैं। अम्मा जो लोग सिर्फ खुद को पसंद करते हैं वो दूसरों के बारे में फैसला करते वक्त नहीं सोचते, नहीं सोचते, नहीं सोचते। मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे लिए अच्छा सा पराठा बनाएं ताकि मेरे पेट में खुजाए और मेरा दिमाग काम करना शुरू करे, फिर मैं सोचूंगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। फिकर नॉट भाई। मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि भाई साहब के दिल में अगर ऐसा कोई ख्याल था तो उन्होंने इस ख्याल का इजहार पहले क्यों नहीं किया, उसी वक्त क्यों किया जब हम उमेर और समाहिर की शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें पता तो है वो हमेशा से ही ऐसे, दिल में क्या चल रहा है किसी को भनक भी नहीं पड़ पाती। लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाजत है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़की, ये बताओ कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तारिक आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, शायद वो कोई हल निकाल लें। अच्छा तारिक से जो भी बात हो ना मुझे जरूर बताना। जी जरूर। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अम्मा, अम्मा। हीरो को जानती है ना? रूम्स लाकर बड़े आराम से सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहा था। तुम नहीं सुधरोगे, जब करना उल्टी बात करना। अरे इसमें उल्टा क्या, सही तो कह रहा हूँ। वीरू ने शहर को आग लगाई और हमारे अब्बा हजूर घर वालों के सुकून को आग लगा कर आराम से बैठ कर टीवी शो देख रहे हैं, और जानती हैं टॉक शो का टॉपिक क्या है इस्लाम में। अच्छा फजूल बातें मत करो, ये सोचो कि इस मसले से कैसे निकलना है। रजी का दोबारा फोन आ चुका है अभी ऑफिस से। किस लिए? ये बताने के लिए कि वो मरता मर जाएगा मगर समाहिर से शादी नहीं करेगा। पागल है बिल्कुल। अच्छा मशवरा दिया मैंने कि भाई सबीन को पकड़ो और लेके भाग जाओ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, कभी जो कोई तुम अकल वाली बात कर लो। वाह भाई वाह, बहुत दुरुस्त फरमाया। जरा हम भी तो देखें क्या कह दिया मौलाना साहब ने। तुम तो मत ही जाना और जल्दी पर तेल छिड़कोगे। अरे अम्मा देखने तो दो, देखने तो दो। आज का प्रोग्राम देखकर मजा आ गया। वैसे भाजी जितना मुझे पता है इस्लाम में तो बड़े वाज़े अहकामात हैं कि लड़की और लड़के की रजामंदी के बगैर तो कोई वली भी शादी नहीं करवा सकता, और आप कह रहे हैं कि रजामंदी और पसंद में बहुत फर्क है। वैसे क्या फर्क है बाजी, बताएंगे प्लीज? बात सुनो बरखुरदार, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि बैठकर तुम्हें फर्क समझाऊं। मेरी बात से इख्तलाफ तो तुमने कर नहीं है, मैं सही कहूं या गलत, तुम ये नहीं करोगे तो कौन करेगा? पसंद की शादी करके खानदान का नाम जो डुबोना है। अभी आप तो ऐसे ही मेरी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि यूं मजहब को लेकर अपनी तरफ से राय कायम करना कोई मुनासिब बात नहीं है, इसलिए बेहतर तो यही है कि क्या बेहतर है क्या नहीं मुझे मत समझाओ। अभी मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि तुम और तुम्हारा मुतालिया दोनों नाकिस हैं। अभी आएगा ना ऑफिस लौट कर मेरा रजी बेटा, वो है मेरा होनहार लायक बादब और ज़हीन बेटा, उसका मुतालिया तुमसे ज्यादा है। मेरी मानो तो बड़े भाई की सोहबत में ज्यादा से ज्यादा वक्त बैठो, मुमकिन है कि उसकी अच्छी सोहबत का असर तुम पर पड़े और तुम बड़ों की बात से इख्तलाफ करना छोड़ दो। जी हेलो
शिफा। उमेर भाई, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों, सब कुछ ठीक तो है ना? उमेर भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ज़रीना से कहती कुछ बना देती तुम्हारे लिए। वो तो कब की चली गई, और वैसे भी मैं उसके हाथ का खाना खाकर उतार चुकी हूँ। मुझे कुछ फास्ट फूड टाइप का खाना। अच्छा जाओ फ्रीजर खोलो, बर्गर पैटीज बने, बर्गर बना लो। अब कौन जाके किचन में इतनी मेहनत करेगा उमेर भाई, प्लीज पिज्जा ऑर्डर करवा देना। ठीक है, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। उमेर भाई, आपने कॉल क्यों की थी? हाँ, मैंने कहना था कि आज मुझे घर आते थोड़ी देर हो जाएगी, तुम प्लीज रेडी रहना, हम डिनर की बात करेंगे। ओके बॉस, क्यों वैसे आज कोई खास बात है? बहुत खास बात है। खास बात? तो फिर मुझे अभी बताएं, वरना मेरे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं बता सकता, यू हैव टू वेट। उमेर भाई, आप कितने बुरे हैं? आपको पता है कि मुझे सब्र नहीं होता? फजूल में आपने मुझे हेडलाइन सुना दी है। मैं अभी फोन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम अभी से इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दोगी। डिटेल्स मैं रात को बताऊंगा। ओके बाय। उमेर भाई, हेलो। उमेर भाई, बात तो सुने। हेलो, तो काफी खामोशी है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। मामा कहाँ है? मामा समीना आंटी की तरफ गई है, उनकी सास का इंतकाल हो गया था ना, उन्हीं की ताज़ियत के लिए गई। अच्छा, वैसे तुम भी खासी नालायक हो, बेशक मुझे देर हो गई, लेकिन तुम तो कपड़े बदल लेती इस तरह मैंने कपड़े पहन के घूम रही हो। मुझे क्या पता था कि अब भी आपका शॉपिंग पे जाने का प्लान होगा। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे तो लगा था आप घर पर बैठ कर रो धो रही होंगी। वैसे आपने रिएक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मामा ने भी कहा कि अगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इस मसले का भी कोई हल निकल सकता है, वरना तायबू के फैसले के खिलाफ जाना तो मुश्किल है ना। कौन सा फैसला, किस बारे में बात कर रही हो तुम? क्या मतलब, आपको नहीं पता? रानवा, मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं आप ही, मैं बस ऐसे ही कह गई। मुझसे झूठ मत बोलो तुम, ठीक तरह बताओ पापा ने क्या फैसला किया है। आप, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, आप मामा से पूछें, वो आपको सब बताएंगी। तुम सीधे तरह मुझे बताती हो या मैं मामा को फोन करूँ? अच्छा रुके, बताती हूँ। आप ताया बुकर उमेर भाई के लिए राजी करवाना चाहती हैं, लेकिन वो तो आपकी शादी रजी भाई से करवाने का फैसला कर बैठे। क्या? जी, मुझे लगा आपको ताई अम्मी ने बता दिया होगा, मामा को भी सुबह उन्हीं की कॉल आई थी। Hey guys, all set? जी जी सर, आप बताइए कैसी लगी आपको रिहर्सल? आप मुतमईन है ना? अरे यार, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने, यकीन करो। डर तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं सर, डर नहीं रहा, लेकिन पहली दफा इतने लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ सर। अरे यार, तुम्हें नर्वस होने की क्या जरूरत है मेरे भाई? देखो, तुम्हारी परफॉर्मेंस देख कर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। यू आर टू गुड मैन। डू यू नो जासिम रजा आया था हमारी रिहर्सल देखने के लिए? जासिम कौन है सर? जासिम रजा को नहीं जानते? देखो भाई, अगर इस फील्ड में पूरी तरीके से इन होना है तो जासिम रजा का नंबर जो है अपने मोबाइल में गॉडफादर के नाम से सेव कर लो। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। लेकिन वो है कौन यार? बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर भी वही है। इसका मतलब है कि काम लेने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा? नहीं, ताकि तुम्हें काम लेने के लिए उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुआ है वो, काम तो तुम्हें देगा। थैंक यू सर। कभी कभी मुझे लगता है हम बहुत अकेले हैं। क्यों शिफा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कैसा? यही कि हम इस दुनिया में बहुत अकेले हैं। देखो, सिर्फ मैं और तुम हैं, अम्मी अबू ना सही, लेकिन हमारा कोई बहन भाई होता तो इतनी तनाई महसूस ना होती ना। भाई, ऐसे नाशुक्री के लफ्ज़ तो ना बोले।
अल्लाह ताला ने हमारे मम्मी अबू को वापस बुला लिया है, लेकिन कम से कम हम दोनों तो है ना एक दूसरे के लिए। अब देखे ना, दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास ये रिश्ता भी नहीं होगा जो हमारे पास है। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है शिफा, लेकिन घर कितना खाली खाली लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई कमी है। मुझे तो हमारा खाली घर बहुत अच्छा लगता है, जो दिल चाहे करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बल्कि आपको पता है मैं तो दुआ करती हूँ कि जरीना बिना अपना जल्दी से काम खत्म करे और घर जाए। तो तुम कह रही हो तुम्हें तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं होती, तुम्हारा दिल नहीं चाहते किसी से बात करो? कभी कभी होती है, लेकिन मुझे तन्हाई बिना बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने घर की मलका हूँ। तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? डिसर्ट? नहीं। उमेर भाई, मुझे तो ना तन्हाई महसूस होती है और ना ही घर खाली लगता है, लेकिन आप तो उनका नाम बता दें जिनकी वजह से आपको अचानक से घर खाली खाली लगने लगा। बहुत ही तेज हो तुम, पता था मुझे। अच्छा ये तो बताएं, होने वाली भाभी की तस्वीर आप तकिए के नीचे रखते हैं या फिर वॉलेट में लगा रखी है? अच्छा जल्दी खाना खाओ, बताता हूँ फिर। तुमने तारिक से बात की? नहीं आपा, वो दोपहर को बहुत थोड़ी देर के लिए आए थे, ऑफिस में कोई टेंशन चल रही है। मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अरे नहीं बैठो, रजी ऑफिस से आ गया है, मैं उससे कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ रमला, क्या मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, क्या हुआ? समाहिर घर आई थी? क्या कहा तुमने? अच्छा ठीक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं आकर देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो खैरियत से हूँ, दुआ करो कि और सब भी खैरियत से हो। अरे कैसी बातें कर रही हो आलिया, क्या हुआ है, क्या कह रही थी रमला? वो समाहिर घर पहुंच गई थी। रमला को तो कुछ पता ही नहीं था कि आपने समाहिर को कुछ नहीं बताया हुआ। उसने समाहिर को सब कुछ बता दिया कि भाई साहब क्या इरादा लिए बैठे। और रमला ये भी बता रही थी कि समाहिर बहुत गुस्से में बाहर निकली घर से। अच्छा अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं समाहिर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ। मैं यहाँ हूँ और आप दोनों खवातीन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, उमेर से मेरी शादी हो या ना हो, मैं रजी से शादी नहीं करूंगी। भाई है ये मेरा, अब्बा ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरी गुड़िया, मेरी चंदा, मेरी बात तो सुनो। मैं आपकी अब कोई भी बात तब तक नहीं सुनूंगी जब तक आप अब्बा को मेरे और उमेर के रिश्ते के लिए राजी नहीं कर लेती। तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, हमें सोचने तो दो। आप लोग इसी तरह सोचते रह जाइएगा, अब्बा ने जिस तरह खुद से मेरा रिश्ता रजी के साथ तय कर दिया है ना, कल को वो काजी बुलाकर हमारा निकाह भी पढ़वा देंगे और आप लोग मुझे ही समझाते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। सॉरी मामा, मुझे आप दोनों में से किसी की भी बात का कोई भरोसा नहीं। एक बात तो तय है, शादी तो मेरी उमेर से ही होगी, अब अब्बा को आप समझाएं या आप खुद डिसाइड कर लीजिए, और आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का वक्त है। क्या मतलब? अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यही समझ लें आप, मैं बता रही हूँ अम्मी, अगर आप लोगों ने वाकई मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी, देख लीजिएगा। समाहिर रजी में क्या बुराई है? वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं। लेकिन सगे बहन भाई तो नहीं है ना। उमेर में क्या बुराई है? उमेर के साथ तो ये एडवांटेज भी है कि समाहिर उसे पसंद करती है। उमेर में कोई बुराई नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा है, तहजीब याफ्ता है, सेल्फ मेड है, और तुमने देखा नहीं कि अपनी बहन के बारे में कितनी मोहब्बत से बात करता है? जो लड़का अपनी माँ और बहनों को रिस्पेक्ट देता है, प्यार देता है, वो अपनी बीवी को भी बहुत खुश रखता है।
अगर आपको वो इतना ही पसंद आ गया है तो इनकार की वजह? भाई मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। उमेर के मुकाबले में रजी के पॉइंट्स हर हाल में ज्यादा है। एक तो रजी अपने घर का बच्चा है और दूसरी बात ये कि समाहिर को हमसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये बात अहम नहीं है कि दोनों किसी और को पसंद करते हैं? क्या रजी भी? जी, लेकिन इस बात का इल्म भाई साहब को नहीं है। उनके सामने जिक्र भी मत कर दीजिएगा वरना एक और कयामत खड़ी हो जाएगी। देखिए तारिक, मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आप जाके भाई साहब को अपना फैसला सुना दें। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनसे जाकर कहें कि समाहिर किसी और को पसंद करती है और वो लड़का आपको भी अच्छा लगा है। कितने आराम से तुम कह रही हो, इतना आसान नहीं है। इस बात से तो आसान है कि समाहिर गुस्से में आके खुदकुशी कर ले। लो। शाबाश मेरी बहन। इसे अल्लाह करे आज अब्बा को पता चल ही जाए कि तुम रोजाना लेट आते हो। आहिस्ता बोलो। तुम बस आ जाओ ताकि, वरना मैं अब्बा को खुद जाके बता दूंगी कि तुम पिछले 3-4 महीने से रोजाना लेट आते हो। यार रिहर्सल चल रही है, परसों फाइनल शो खत्म हो जाएगा। जो भी है तकी, कल मैं तुम्हारे लिए ना ही खाना गर्म करूंगी और ना ही जाके गेट खोलूंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, ये रात की ड्यूटियां मुझसे नहीं दी जाती। अच्छा पापा ठीक है। और नहीं तो क्या, अब मैंने खाना नहीं खाया लेकिन तुम्हारे लिए मुझे खाना गर्म करना पड़ा। क्यों नहीं खाया? समाहिर क्या हुआ? तकी, मैं उमेर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। फिकर नॉट माय सिस्टर, क्योंकि वो किसी और भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो सभी खाला की बेटी सभी बल्लटू है। वाकई? हाँ तो और क्या, जब उसे पता लगा कि उसकी शादी तुमसे होने वाली है तो उसकी तो नींदें उड़ गई। और वैसे भी छोड़े जैसी बहन बर्दाश्त हो सकती है लेकिन बीवी नहीं। वको मत वरना हेक लगाऊंगी। अच्छा अच्छा, जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, रजी का भी मसला है, तो वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। और जहां तक बात है उमेर से शादी की, तो भाई मैं तुम्हें एक $1 million की बात बताता हूँ, और अगर ये बात आम लोगों को पता चल जाए तो वो किताबों में सबसे पहले अखबारी जरिए की हेडिंग लगाएं और उसके बिल्कुल नीचे ये बात छपाएं। तकीर प्लीज, अब बताओगे भी अपनी तारीफें खुद करते रहोगे। एक सेकंड बाल सेट कर लूं। हाँ तो मैं कह रहा था, जो तुमने इरादा किया है उमेर से शादी करने का, तो तुम्हें इस इरादे पे अटल रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान कोई इरादा करता है तो उसे बार बार रिपीट नहीं करता। अगर इंसान अपने इरादे को बार बार रिपीट करेगा तो उससे वो ये जाहिर कर रहा होता है कि वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को कन्विंस कर रहा है। देखो कि तुम्हारी जिंदगी है, मैं बड़ों की राय को अहमियत देता हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन जिंदगी को जीने का हक सिर्फ तुम्हें है। इसलिए अगर उमेर से शादी करने का फैसला तुमने कर लिया है तो ये फैसला तुम्हें खुद ही करना चाहिए था, ताकि तुम्हें बाद में पछतावा ना रहे कि अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला तुमने खुद नहीं किया। और भाई कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। तभी तुम बहुत अच्छे हो, तो ऐसे ही तुम्हें अंदर डालते रहते। हाँ देखो ना, अगर उन्हें पता लगा कि मैं इतनी रात को आता हूँ, लेट आता हूँ, रोज लेट आता हूँ, तो वो तो मेरी खान उतार कर मुझे खंबे पर ही लटका देंगे। बहुत बड़े ड्रामे बाज़ है तुम ऐसे। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तारिक भाई साहब, नौकरी के 100 झंझट होते हैं। तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो बैंक के बड़े अफसर हो। नौकरी तो नौकरी है भाई साहब, क्या बड़ा अफसर क्या छोटा। ये बात तो है। अच्छा भाई साहब, आप मसरूफ तो नहीं है? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। नहीं, मसरूफियत की कोई बात नहीं, कहो। दरअसल वो मैं खामोश क्यों हो गए, बताओ क्या बात है? भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं। खुलकर कहो क्या मामला है, पैसे चाहिए? नहीं नहीं भाई साहब, पैसों का मामला होता तो मैं खुद ही आपसे मांग लेता। आखिर से पहले भी आपने कई मर्तबा मेरी मदद तो की है। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, घबराने की कोई बात नहीं है, कहो क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, अगर मेरी बात नागवार गुजरे तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है, अब कह भी चुको। दरअसल वो मैं समाहिर की शादी की बात करना चाहता था।
मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि अचानक सबको समायर की शादी की फिक्र क्यों लाहक हो गई है। दरअसल वो समायर किसी को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। बाजी, उमेर भाई की शादी है? कब? इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो हम लड़की देखने जाएंगे। बाजी, मुझे भी साथ ले जाए ना। क्यों, तुम्हें क्यों साथ ले जाए? मैं उमेर भाई की बहन हूँ, मैं जाऊंगी पहले। ठीक है, दूसरे फेरे ले जाना, मुझे उमेर भाई की वोटी देखने का बड़ा शौक है। अच्छा ठीक है। मैं ना बारात में माल्टे रंग का सूट पहनकर जाऊंगी, बारात के आगे लुड्डी भी डालूंगी। उमेर भाई को बता देना उनकी बारात में दो जापानी सूट लूंगी और सलामियां भी सारी मेरी होंगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुमने तो मतलब अकाउंट ही खोल लिया है। हाँ तुम इतना बोलती, मेरे सर में दर्द हो गया। जरीना जा जाके मेरे लिए चाय ला। अच्छा बाजी अभी बना कर लाती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, भाभी सुख देने वाली आए, भाई बहन की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ये नहीं कि आती सगे बहन भाइयों में दूरियां डलवा दे। अभी मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखो तारिक, मैं समाहिर और रजी की शादी का फैसला कर चुका हूँ। अब इस सिलसिले में मैं किसी की कोई बहस नहीं सुनूंगा। मुझे आपके किसी फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं है भाई साहब। आप तो मेरे लिए हमेशा बाप की जगह रहे हैं। आपसे इख्तिलाफ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर सिफारिश लेकर क्यों आए हो? समाहिर की पसंद का मामला ना होता तो मैं कभी भी ना आता। समाहिर बच्ची है, उसे क्या पता क्या उसके लिए बेहतर है क्या नहीं। ये काम हम बुजुर्गों का है जो उसे समझाएं, न कि सिफारिशें करते फिरे। भाई साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप एक दफा उमेर से मिल ले, आपके सारे इतराजात दूर हो जाएंगे। गोया तुम पहले ही मुलाकात कर चुके हो। जब सब कुछ बाला ही बाला तय कर लिया है तो मेरे पास क्या करने आए हो? देखिए भाई साहब, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता। वो तो समाहर की जिद थी तो मुझे मानना पड़ा। देखो तारिक, बच्चे जिदें करते हैं लेकिन उनकी हर जिद नहीं मानी जाती। आप एक बार उमेर से मिल लो, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। तो मेरे रजी में क्या कमी है? शकल गबरा है या कमाता नहीं है? बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है, रजी से बढ़कर तो मेरे लिए कौन हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना, समाहर की पसंद का मामला ना होता तो मैं कभी भी ना आता आपके पास। आखिर इससे पहले भी मैंने आपके और समाहर के मामले में कभी दखल तो नहीं दिया। तो अब भी दखल मत दो। तुम ये ना समझो कि तुम्हारी सिफारिश करने से मैं कायल हो जाऊंगा। होगा वही जिसका मैं फैसला कर चुका हूं। चाय भिजवा रहा हूं, पीते जाना। जरीना। जी बाजी। क्या वाकई भाभियां बुरी होती हैं? ना बाजी, क्या आपसे किस पागल ने कह दिया? तुम खुद ही तो कह रही थी कि सुख देने वाली भाभी हो जो बहन भाई को जोड़ के रखे, ना कि ऐसी कि सगे बहन भाई के बीच में दूरियां क्रिएट करे। ना बाजी, मेरा मतलब ये थोड़ा था कि आपकी भाभी बुरी आएगी, मैंने तो वैसी दुआ दी थी। अच्छा, लेकिन अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जरूर इस रिश्ते में कोई बात होगी। बात ये बाजी, आजकल इंसानों का खून सफेद हो गया है। सगे रिश्तेदार आकर नहीं पूछते भाभी ने क्या पूछना है। बात सिर्फ इतनी, इंसान अगर खुद अच्छा है जी सारे रिश्ते अच्छे हैं। वैसे तो आप पढ़ी लिखी मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन मुझे अनपढ़ जाहिल की एक बात हमेशा याद रखना बाजी, जिन रिश्तों में मुकाबलेबाजियां शुरू हो जाए ना उनमें कुछ बाकी नहीं रहता। मैं तो कहूंगी आप अपना आप संवारो, अगली आने वाली आपो आप आपके रंग में रंग जाना है। जी
आपने बुलवाया था मुझे। आपको बताना था कि अगले हफ्ते घर में एक छोटी सी तकरीब रखी है। तकरीब? कैसी तकरीब? वही समायर और रजी के निकाह की तकरीब। फिलहाल निकाह कर देते हैं, एक दो साल के बाद रुखसती भी कर लेंगे। निकाह? समायर और रजी का? इतनी उम्र गुजारने के बाद भी चंद बातें आप सीख नहीं सकी। मैंने आपको खुशी की खबर सुनाई है और आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की वफात की इत्तला दी हो मैंने। आप जानते भी हैं समाहिर की मर्जी नहीं है, फिर भी आपने ये फैसला कर दिया। आप भी जानते हैं कि यहाँ हर फैसला मैं करता हूँ। आप समझते क्यों नहीं है? अब ये हमारा दौर नहीं है कि बच्चों को जोर जबरदस्ती करके कायल कर लिया जाए। बस होगा वही जो मैं कह चुका हूँ, और आप जानती हैं कि मुझे बेजा बहस करने वाले लोग पसंद नहीं है।